हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया हम आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपका बीएमपी में ट्रेड रैंक की बहाली निकल रही है, इसके विषय पे सारे वीडियो। इस वीडियो पे पूरे आई चर्च होगी बीएमपी ट्रेड रैंक की जो वैकेंसी है उस पर कैसे क्या होती है, नहीं होती है, कैसे आप लोग के पास पहुंचेगा और कैसे आप लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों, बीएमपी में जो ट्रेड रैंक की वैकेंसी निकल रही है इसके विषय में हम पूरे इस वीडियो में आई डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, आप अगर मेरे वीडियो पे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ऐसा आप लोग का मौका बहुत कम मिलता है दोस्तों ट्रेड रैंक में, जैसे कि बहाल होने में। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की चयन परिषद के द्वारा वैकेंसी होती है, वहां से आप लोग का सभी का वैकेंसी निकाला जाता है, भरा जाता है। लेकिन ये जो है बिहार पुलिस ट्रेड रैंक की जो भर के वैकेंसी है, ये बटालियन के स्तर पे निकलता है, बटालियन से ही होती है। इसमें कमांडेंट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मौका है आप सभी लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उसके बाद में जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस से या बीएमपी से कोई भी रिलेटेड बातें होती है तो सारे बातें इस वीडियो इस चैनल पे मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार पुलिस का जो बीएमपी का रिजल्ट, बीएमपी का ट्रेड रैंक की वैकेंसी निकालने वाले हैं उसके विषय पे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दे दोस्तों, बिहार, पूरे बिहार में 2 बटालियन न्यू बना है। कहने का मतलब बीएमपी 18 और 17, सॉरी बीएमपी 19 और बीएमपी 18, तो ये दोनों बटालियन जो है न्यू बना है। और न्यू बनने के बाद इस जगह पर ट्रेड रैंक की वैकेंसी की अति आवश्यक जरूरत है। और जितने भी स्टूडेंट इसमें, जितने भी शिप कांस्टेबल लोग ज्वाइन किए थे, वो सारे ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग कर अब वापस आ गए हैं। तो उस परिस्थिति में उनकी सुविधाएं के लिए ट्रेड वाले लोग होनी चाहिए। तो अब बहुत जल्द इसकी वैकेंसी होने जा रही है, वैकेंसी होगा। तो इसमें ट्रेड वाले क्या क्या और कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी होगी हम आपको वीडियो पे बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो पे। तो इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे नहीं होता तो इसके उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे में कि यहाँ पे होती है ट्रेड कौन कौन होता है ये हम बता देते हैं फिलहाल। रसोईया होती है, नाई होता है, धोबी होता है, और उसके बाद में सुपर होता है। ये सब 4 चतुर्थ वर्गीय में आता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होता है, जो कि 10th लेवल की वैकेंसी होगी। और उसके बाद जो ट्रेड रैंक का आता है, जैसे में कि बिगुलर कांस्टेबल में आता है, नर्सिंग असिस्टेंट कांस्टेबल में आता है, बढ़ी कांस्टेबल कांस्टेबल में ही आता है, बिजली मिस्त्री कांस्टेबल कांस्टेबल में ही आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल कांस्टेबल में ही आता है। तो ये सभी लोगों का 10+2 पे वैकेंसी होगी दोस्तों। तो बहुत जल्द आप लोग का ये वैकेंसी आने वाला है। इससे पहले हम आपको वीडियो बताए थे कि आने वाली, लेकिन अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार भी कर रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी आएगा वैसे ही हम आप लोग को इस चैनल पे डाल देंगे। तो बस आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल चैनल को फॉलो करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो आएगा तो आप लोग को हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास जानकारी मिल जाए, और उसके बाद भरने की कोशिश करें। इससे पहले आप सभी लोगों को बता दें, इसमें वैकेंसी में भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि नियोजनालय नाम दर्ज होना चाहिए। उसका हर हर सर्टिफिकेट आपको लगेगा दोस्तों। नियोजनालय आपका हरेक जिला में नियोजनालय होता है ऑफिस, उस ऑफिस में आप जाइएगा, बोलिए कि नियोजनालय में मेरी नाम दर्ज कर दीजिए, तो आपसे एक फोटो वगैरह लेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, और आपका नियोजनालय में नाम दर्ज करके एक सर्टिफिकेट दे देगा। उस सर्टिफिकेट का वैलिड 3 की होती है। तो आप वहां से वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। हर हाल में जब वैकेंसी निकलेगा तो वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में ट्रेड वाले जो निकलने के बाद उस ट्रेड का, जैसे मैं आप बोल रहे होंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और बढ़ी है, इसका कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपका। और कुछ ऐसे ऐसे है जिसका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जैसे मैं नर्सिंग असिस्टेंट,
इससे भी सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो ये भी आप बनवा सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट आप लोग के पास अभी समय है, मौका है, तो इस चीज को अपना चुके सारे काम करा के रखिए, ताकि वैकेंसी आने के बाद बिल्कुल आप लोग सटीक समय पर भर पाएंगे। क्योंकि इसका जो वैकेंसी निकलता है ओपन नहीं हो पाता है, पूरे छोटे एक बिता रहे हैं कि पेपर में तो इसका विज्ञापन दिया ही जाता है, लेकिन एक छोटा सा जगह पे विज्ञापन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है, इसकी वैकेंसी निकाल के फॉर्म फिलअप करके बहाल भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी देंगे, जो भी मेरे इस चैनल पे बने रहेंगे सभी लोग को जानकारी मिलेगा। तो आप सभी लोग से बस यही रहेगा, चैनल को फॉलो करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को आप लोग का वीडियो अपलोड करे और मिल जाए। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप दे हमें इजाजत, जय हिंद जय भारत।